नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी एपिसोड 14 जिसे हमें सजेस्ट किया हमारे सब्सक्राइबर्स ने, जिनका नाम है ओमर मिर्जा, बलाज 07, विक्की, कामी राजा, ओके समर्स, माहिर शमीउल्ला, अली खान, अहमद खान, मोहम्मद साइद, शकीना शेख, शोएब T68, टिक्की स्पोर्टसन, हाशिम नादिन, ख्याल आफरीदी, महानाज, एम अबू बाकर, आब्दिश फतिमा, हयाज सैयद, अंजुम, शायरा खान, राना फैजन, फिरोज खान लवर, ओके एंड फिरोज खान लवर। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई बिलीव आई एम टॉकिंग टू यू। मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ, इसमें तो गलत ही है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो आवाज है ना, धुएं की नस्टोज की। बात और आवाज कानों से सुनी जाती, आवाज धुएं में जाहिर नहीं होती। आप बोलिए। मैं बोलूं लेकिन होगा वो ही जो आप चाहते हैं। नहीं बात है क्या? नहीं, नहीं तो नहीं, हमेशा से यही होता चला आ रहा है। देखने में मैं बोलती भी नजर आती हूँ लेकिन होता वही है जो मीर शाह चाहते हैं। जिस जुमले से आपकी मुस्कुराहट महसूस होती थी, आज उसी जुमले से बगावत की बू आ रही है। से क्या देख रही हो? कुछ गलत कहा है मैंने? गलत सही मुझे कुछ नहीं पता शाह साहब। हादी घर छोड़ के चला गया और मुझे वो यहाँ वापस चला गया। घर छोड़ के चला गया? हमारा बेटा घर से चला गया और आपने कुछ किया ही नहीं शाह साहब। इस घर से क्या है घर उसी कई सब्जी का आप जाके उसे मिल सकती है। हाँ। यानी कि वो कभी वापस ही ना आए। मैंने ये कब कहा? मैं तो चाहता हूं कि वो वापस आए। मेरी गद्दी कौन संभालेगा? लेकिन मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है। ढूंढ लेते, जब वो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे। मैं चाहूं तो और उसे ढूंढ सकता हूं। समझते उसका जाना हम सबके लिए बेहतर हो गया। आई गेस आप ठीक कह रहे हैं। हादी में लास्ट पता है सारा। क्या हुआ? क्यों रही है इस तरह? अब और क्या होना है खानी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्या रही हो? मैं हूं ना, तुम तो हो खानी।
मगर हम इस तरीके से कब तक भागते रहेंगे? लोगों की पहुंच बहुत ज्यादा है, लोग हमें कहीं से भी ढूंढ निकाल सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम सच कह रही हो, ये बात ठीक है। इसलिए मैं ताया जी कहने में और ना ही मैंने उनको यह बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे बस में जो कुछ था मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए किया, बाकी सब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। तुम दुआ करो ना खान, हमारी कौन सी दुआएं कबूल होती है? बुरी बात ऐसे नहीं बोलती, दिल से दुआ करोगी तो लमिया सबकी दुआ सुनो। पर इस तरह परेशान हो कि मेरी परेशानी को और मत बढ़ाओ, रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी और सना की सपोर्ट चाहिए। मेरी मौत ऐसी लिखी है तो मैं क्यों डरूं? खुदा की यही मर्जी होगी और जो खुदा मेरे लिए चाहता है उस बात में डरूं क्यों? डरना तो तुम्हें चाहिए क्योंकि खुदा की लाठी पे आवाज होती है। ये जो तुम बात बात पे लोगों को मारते हो ना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। कभी अपने गिरबान में छांक कर देखना, तुम्हें सिर्फ एक बुजदिल इंसान मिलेगा जो जिंदा लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। बंदूक की नोक पर ना कोई बहादुरी नहीं होती, किसी दिन बंदूक घर पर छोड़कर घर से निकलने की कोशिश करना। कोशिश तो तुम्हें ये सोच भी डरा देती है। औरतों को डरा कर खुशी महसूस करते हैं, मुझे मर्द ही नहीं लगता। अब तुम ही बताओ नहीं रहा एक नाम मत से मैं क्यों बोल रही हूँ? जानता था तुम यहाँ क्यों? इसको मैं कॉन्फिडेंस समझू या कुछ भी समझ लो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है क्योंकि जब कॉन्फिडेंस टूटता है तो जलन होती है और जब गुरु टूटता है तो आग लगती है। कौन सी आग लगा रही है? तो इसका मतलब है ये गुरु तो बहुत मजा है क्योंकि जो आग तुमने मेरे दिल में लगाई है ना उससे मेरी रूह तक झुलस गई है। अब उस आग से तुम्हें ना गुरूर चल रहा है। मजा आ रहा है मीन हादी? ये आग तुमने खुद जलाई थी, अब तुम रोज इसमें चलो। बस यही मेरी खुशी और यही मेरा मकसद है।
क्योंकि जिसको मैंने दिल दिया था तुम तो वो हो ही नहीं। अब तुम खुद जरा अपनी झूठ की सजा। जग है निशाना इश्क दा कर कर फसाना इश्क दा मंजिल है गहरी इश्क दी बकरी नदारी इश्क दी जंगल जड़े इश्क दे अरशाद फेरे इश्क दे बंदा मतलूब दी सुनदाए गल महबूब दी जग है निशाना इश्क दा कर कर फसाना इश्क दा इश्क दा गीते इश्क रोक लबले इश्क ने कमले खले पता नहीं हादी सोच रहा है कि गांव गांव गई है वो। माय गॉड इसे भी नहीं पता है अभी नहीं कहानी से किसकी जीत है बस जीत है इसके तो जीत है प्यार नहीं है बताओ बेचारे लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ ये लोग भी क्या लेते दोनों का फोन मुस्तकिल बंद आ रहा है पता नहीं कहाँ चले गए ढूंढने गया होगा उस खाने को नहीं मिलेगी तो आ जाएगा वापस किस किस्म के बाप हैं आप मैं बहुत अच्छा बाप हूँ जो अभी तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ अगर मेरी जगह पे मेरा बाप होता तो अब तक अपनी बंदूक की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार चुका होता
भेज मेरा पप्पू तक। कहाँ टायर पे गुस्सा निकालने से क्या होगा, खानी का पता चल जाएगा। जमीन बहुत बड़ी है, कभी तंग नहीं पड़ेगी। देखो मेरे पास सबसे बड़ी पावर है अल्लाह ताला से दुआ करना। दिल से दुआ करोगे तो हम उन शैतानों की नजर से भी दूर रहेंगे। चलो शाबाश, बंद करो अभी रोना धोना। अभी समझाया था ना मैंने तुम दोनों कुछ दिनों पहले, अभी समझाया था ना मैंने। बस अब चुप करो, रोना नहीं है, कल एडमिशन के लिए जाना है तुम्हारे। खानी, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ना आपके साथ खड़ी होना चाहती हूँ, और अब आइंदा कभी नहीं डरूंगी। वेरी गुड। और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाती थी ना कि मैं खान नहीं हूँ, डरपोक हूँ। अपनी हालत देखो, आज से तुम दोनों खानी है। बना है बता के तो जाना चाहिए था। कितनी अपसेट हुई हूँ मैं इसकी वजह से, ऊपर से तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। सॉरी मामा। अच्छा अब बस भी करो, प्लीज घर वापस आ जाओ। आओ और अपने बाबा से अपोलोजाइज करो। तुम्हें पता है हादी, उनका दिल बहुत दुखा हुआ है तुम्हारी उस दिन वाली बात की वजह से। मेरा भी तो दिल ही दुखा है, वो ये क्यों नहीं समझ रहे। चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं ढूंढ रहे उसको। नहीं ऐसी बात नहीं है मेरी जान,
बस वो खुल के बात नहीं कर रहे। इलेक्शंस की वजह से जानता हूँ। सब कुछ जानते हो, हर चीज की समझ है तुम्हें, फिर भी माँ का कहा नहीं मानोगे। आ रहा हूँ वापस, आज आ जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू मेरी जान, हमेशा खुश रहो, बस अब जल्दी से आ जाओ। आई कांट वेट टू सी यू। क्या हो गया? लुकमा लिए बैठी हूँ, क्या सोच रहे? सोनिया मैं अपाहिज हूँ, अंधा नहीं हूँ। तुम्हारे खाली हाथ और खाली गर्दन नजर आ रही है, कैसा भेज दिया? सब नहीं बेचा, कुछ अपनी ज्वेलरी बेचती नहीं, इसलिए साड़ी मुंह दिखाई कि अंगूठी नहीं थे और कभी दूंगी भी नहीं। उसमें सो के रह गया हूं मैं, कहा से कहा लाके पटक दिया। नहीं सलमान, इस तरह नाउमीदी की बातें नहीं करते। आपको याद है जब हमारी शादी नहीं हो रही थी तो आप मुझसे क्या कहा करते थे? अच्छे की उम्मीद रखोगी तो अच्छा ही होगा। ये पूछती सोना चांदी इसकी क्या अहमियत है? कुछ भी नहीं, बस आपका साया हम पे बरकरार है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब बस रोना बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें नहीं होंगी। चले शाबाश, नाश्ता करेंगे, चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यही? अच्छा ही, हाँ ठीक है। व्हाई आर यू स्टैंडिंग, सिट डाउन। थैंक यू। सलाम खान जी, कोई कहीं शुक्रिया नहीं है। क्यों? मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। What reason? मेरे भाई की डेथ हो गई। Sorry, I'm so sorry. My father is paralyzed. तो अपनी बहनों की स्टडीज कंप्लीट कराने के लिए मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरी कुड़ी है, ये तुम लोग कह रहे तुम इस जॉब के लिए सूटेबल। सर क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ और यंग भी हूँ। तुम्हारे यंग होने से मैंने की भाई यंग बुढ़े लोग ही होते हैं ना, बुढ़े लोग ये बातें भूल जाते, उनका पीए सब बातें याद रखता है और यंग पीए तो भूलता ही नहीं, आई मीन भूलती नहीं। ओके माई यंग पीए, मुबारक हो, कम तुम्हारो सुबह आगे ज्वाइन कर लो अपनी ड्यूटी। ओके सर, 100,000 ठीक रहेगा। 100,000 थैंक यू सो मच। मैनू दे आप मुझ पर रहम करके तो जॉब नहीं दे रहे। आई मीन
मेरी पढ़ाई तो पढ़ाई है ना, सच सच ऊपर होता है। फिर से ना भगा दे। इतने अच्छे सेठ साहब हैं वो कि पूरे 1,00,000 और मत सैलरी का बात की है। अच्छी बात है, खाने के दो दो जगह जॉब भी नहीं करनी पड़ी। मैं जानती हूँ कि उन्होंने ताजू को कॉन्टेक्ट करने की जरूर कोशिश की होगी। इसी बात का तो डर है बेटा, हमारी वजह से उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हाँ, वो ऐसा कोई कदम उठा भी नहीं सकते, उनको अपनी पार्टी का बॉस है।
अच्छा प्लीज आप सब लोग ये बातें छोड़े और बाबा मैं आपको मिठाई खिलाती हूँ। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। और हम रायमक कहाँ है? अभी शी स्लीपिंग, शी हैज स्कूल टू यार, साढ़े नौ बजे। अरे मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया। लो जी एक काम सुन लो, आज एक सुनी जी कुड़ी आई सी मेरे दफ्तर, मैं उन्हें पिए रख ले। प्यारी थी पापा जी इसलिए? नहीं है गल नहीं, मुझे नहीं समझ रही होनी, चंगी थी बहुत चंगी, she's honest and pure। पापा जी 3 दिन बाद वही होना जो हर पिए के साथ होता है। नहीं यार, एक कुड़ी जरा हट के। अच्छा पापा जी छोड़े इस कुड़ी को, तुम कल चलो मेरे साथ मलिक साहब के घर लड़की देखने। For God's sake, मैंने कितनी दफा कहा है कि मुझे नहीं देखनी है लड़कियां वड़कियां। पापा जी आप समझाओ यार कुछ। यार मैं कितना ही समझाऊं खड़े दो वाली। पापा जी क्या समझना है, इस तरह तो अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। अम्मी मैं अकेला कहां हूं, रायमा है ना मेरे साथ। रायमा तुम्हारी बेटी है, उसे तुमसे कोई अलग नहीं करता। मैटीना को नहीं भूल सकता। कौन कह रहा है तुम्हें उसे भूलने के लिए, लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती। अम्मी अभी तक तो गुजर ही रही है ना, आगे भी गुजर जाए। अब प्लीज फोकस ऑन रायमा। पापा जी प्लीज आप भी कुछ बोलो यार। हेलो जी, वक्त है ना, सारा ठीक हो जाएगा। वक्त डाल दे, वक्त सारा को ठीक कर देगा। रब करे ऐसा ही हो। आदि देखो बेटा कितना अच्छा खाना लाई हो तुम्हारे लिए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोला ना वापस लेके जाओ, नहीं खाना। हादी खाने से क्या नाराज की? हाँ इधर देखो हादी, इधर देखो। खाना नहीं खाओगे तो हिम्मत कैसे आएगी? वो हिम्मत जो इतनी जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो खानी को ढूंढना है। ज्यादा खाओ, स्टेक खाओगे या सैलड? स्टेक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सफाई सफाई हुई कुछ लाते भाई। वो मैं टेबल साफ करी थी, अभी टीपू आया नहीं है। मेरा काम नहीं है, कुछ रहा है मीटिंग का, बताओ मीटिंग का। जी आई एम रेडी फॉर कॉफी। सर ये भी मैंने बनाई। भट्टी साहब के साथ आपकी मीटिंग है और 2 बजे लंच में। ठीक है, बहुत
उसकी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? मैं आपसे बाद बात करती हूँ। आपको कोई अपॉइंटमेंट है? एक्चुअली मैं अंदर जा रहा हूँ। जी आप इस तरह से नहीं जा सकते, आपको कोई अपॉइंटमेंट है? आंटी इनको अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं, ये बाबा का ही तो ऑफिस है। इट्स ओके आंटी, होता है। थैंक यू। आप कहाँ जा रही हो? अंदर तो मीटिंग चल रही है। बोला था बाबा को घर ड्रॉप करते हैं, लेकिन नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन आपके पास कोई काम नहीं है? काम तो है लेकिन तो क्या? ओके। जमीन का कहीं आसमान निकल गया, कहीं तो कहीं खाली वो। ऐसे नहीं हार मानूंगा। किसने कहा यार हार मानने को? लेकिन जिंदगी का मकसद सिर्फ एक लड़की की तलाश बना लिया शायद, ये भी तो मुमकिन नहीं है ना आदि। अपनी जिंदगी के बारे में तो सोच। पर मसला ये है कि वो काफी चालाक निकली, और सबसे बड़ी बात जाते जाते अपने फोन और सिम यहीं छोड़ गई है यार। सब कुछ प्लान कर, आखिर आगे ट्रैक करेंगे तो कैसे? अब हर शहर तो नहीं जा सकते ना। जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। Every damn city. For it. So, आज के एपिसोड में बहुत कुछ मतलब न्यू चीज देखने को मिली, काफी न्यू और काफी बाहर की चीज मिली है। या मतलब आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिला है कि एक न्यू फैमिली आई है, एक न्यू फैमिली की एंट्री हुई है। या ऑफ कोर्स एक न्यू, बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है, तो हम मतलब ये सोच रहे हैं कि इस कैरेक्टर मतलब ये न्यू कैरेक्टर लाने का क्या मतलब है, और ये कहानी मतलब कहाँ जाती है, या ये कहानी किस मोड़ लेती है, या ये कहानी अब कुछ और ही मोड़ लेने वाला है। बिकॉज हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, बिकॉज एक नया फैमिली एड हुआ है, एक नया नया कैरेक्टर एड हुआ है, दैट मीन्स कि कुछ तो होने वाला है, कुछ न्यू होने वाला है। सो बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज का एपिसोड। खैर आज के एपिसोड से मतलब सही था, ठीक ठाक था। नहीं आज के एपिसोड हमें उम्मीद थी कि आज कहानी ढूंढ लेगा, ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे पता था कहाँ है वो। या बिकॉज वो लास्ट में 13 क्लास में बोला कि हमें मुझे पता है कि कहानी कहाँ है, बट कुछ खास नहीं दिखा। हाँ तो पता है तो वो उसके जो अंकल होते हैं उसके पास जाता है, उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ नहीं मिलती। हाँ वहाँ नहीं मिलती है, तो वो तो सही बोलता है कि मुझे पता है, उसको लगता है कि फुल मतलब पता होगा, मिल जाएगी मुझे, लेकिन वहाँ नहीं रहती, नहीं रहती है। सो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज 14 में तो कुछ खास पता नहीं चला। आई थिंक 15 कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग, या 15 में ढूंढ पाए शायद, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि अब नया ट्विस्ट क्या आता है जब खानी और हादी मिलते हैं। सो हमें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा आज के एपिसोड भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हमारा भी लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को और शेयर कीजिए, शेयर करें जितना हो सके। तब तक के लिए।